धार्मिक महाश्रावण में हर तरफ शिव भक्ति की बयार बह रही है। जहां श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, ऐसे में बच्चे भला शिव भक्ति से कैसे दूर रहें। जी हां, कुछ ऐसा ही नजारा खरगोन जिले के सेगांव में देखने को मिला, जहां आरएसएस के नेतृत्व में पहली बार प्रदेश में बाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। धार्मिक महाश्रावण में खरगोन जिले के सेगांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनूठी पहल देखने को मिली, जहां बच्चों को सनातन धर्म से जोड़ने और धार्मिक संस्कारों से रूबरू कराने के उद्देश्य से प्रदेश की पहली बाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। बाल कांवड़ यात्रा निमाड़ अंचल के प्रसिद्ध लालबाई फूलबाई माता मंदिर से प्रारंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में बाल शिवभक्त अपने कंधों पर कांवड़ उठाकर बोलबम का जयघोष करते नजर आए। यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए शिव टेकरी मंदिर पहुंची, जहां नगर में कई मंचों से बाल कांवड़ यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बाल कांवड़ यात्रा की अनूठी पहल के लिए आचार्य ओम प्रकाश शर्मा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बधाई दी और कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजन से बच्चों की धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी। बहुत सुंदर प्रयास है हमारे यहाँ के आरएसएस संस्था के द्वारा बच्चों को प्रेरित करते हुए भगवान भोलेनाथ को नर्मदा मैया का जल अर्पित किया जा रहा है, जिससे बच्चों में उन निश्चित धर्म के व्यवस्थित संस्कार उनको प्राप्त होंगे और आगे जाकर ये धर्म में देश का कुल का घर का नाम करें, यही मेरी उनसे आशा है और भगवान से प्रार्थना है। क्या शुभ नाम लिखता? पंडित ओम प्रकाश शर्मा, मानपुर। बाल कांवड़ यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा पिछले दिन एक आवश्यक बैठक की गई, जिसमें हिंदू धर्म संस्कार का प्रचार प्रसार और बाल कांवड़ यात्रा बच्चों में श्रावण मास के उपलक्ष्य में शिव महादेव जी का बारे में उनको पहचान और उनके बारे में विस्तार रूप से बताना है कि बाल कांवड़ यात्रा क्यों निकल, कहां से कहां तक निकाली जाएगी। बाल कांवड़ यात्रा श्री देवश्री लालबाई फूलबाई माताजी से नगर के प्रमुख मार्ग भ्रमण करते हुए शिव टेकड़ी शिव मंदिर में तक जाएगी। क्या नाम लिखता? जयेंद्र राठौर। ढोल धमाकों के साथ नगर में निकली बाल कांवड़ यात्रा का नगर में न सिर्फ भव्य स्वागत किया गया, बल्कि युवाओं और गाँव के वरिष्ठ नागरिक बच्चों का उत्साह बढ़ाते नजर आए। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट।